एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल अगर आपने भी की है पीएचडी और जाना चाहते हैं फॉरेन एज अ पोस्ट डॉक्टोरल फेलो तो ये वीडियो है आपके लिए तो एआईसीटी ने रिलीज की है न्यू फेलोशिप दैट इज कॉल्ड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप ये जो फेलोशिप है इसमें आपको मिलेंगे ₹65000 पर मंथ एंड कॉन्टिंजेंसी ग्रांट ₹50000 पर ईयर और साथ में आपको मिलेंगे उस रेंट अलाउेंसिस एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स और साथ में आपको मिलेगा फॉरन जाने का मौका और साथ में चलेगी आपकी रिसर्च तो इतनी सारी फैसिलिटीज एक साथ मिलने वाली हैं तो चलिए जान लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स तो यहाँ मेरे पास है दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या दोनों पी जो कि ए ने अपलोड की हैं जो भी उसकी स्कीम है जो भी उसका वे है कैसे आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं टेलिंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन की फीचर्स ऑफ ए आई सी टी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप इसके बारे में यहाँ बताया गया है ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट द एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनी अदर सब्जेक्ट्स

इन द रेलिट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन नहीं की है और आपको पीएचडी की डिग्री मिल चुकी है ओनली इन दैट केस आपको क्या मिलेगा वहां जाने का मौका मिलेगा अप्लाई आप कर सकते हैं नेक्स्ट इज कैंडिडेट है रिलैक्सेशन ऑफ फाइव परसेंट ऑफ मार्क्स इज अलाउड फॉर द रिजर्व कैटेगरी ऑलरेडी इन रेगुलर सर्विस आर नॉट आप रेगुलर सर्विस में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और साथ में देखिए यहाँ पर ये कंडीशन भी दी हुई अगर आप पीजी यूजी में है और दोनों में आपके फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर और भी दिए हुए एज शुड नॉट बी बिलो एज, एज शुड भी बिलो थर्टी फाइव

Emoluments and allowances I have already told you fellowship is rupees sixty five thousand contingency grant sixty fifty thousand rupees per year and house rent allowances HRA as per central government norms. PDF students are eligible. PDF here means postdoctoral fellow. Leave as per the university institution norms. अप्लाई आप साल के किसी भी टाइम पे कर सकते हैं यू कैन अप्लाई थ्रू आउट on ऑफ द स्कीम इज ऑन are ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन आर ओपन थ्रू आउट जो स्कीम है वो हम एक बार देख लेते हैं इसका जो ब्रोशर है दैट इज हेयर तो देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्टिव है कि फेलोशिप दी जाती है फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट द एडवांस्ड स्टडीज number of fellowship we have discussed duration of the fellowship we have discussed eligibility you can see here वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन प्रोसेस मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप रोल्स रिस्पोंSIBILITIES और इसके साथ आपको एक बात बता दूं कि आप अपनी फेलोशिप की डिग्री के साथ कोई भी जॉब नहीं कर सकते हैं वहां बाहर जाकर आप ये नहीं कह सकते कि आप जॉब करें साइड वाइज कोई काम करें कुछ पेड वर्क करें इन दैट केस योर स्कॉलरशिप विल बी रिजेक्टेड लाइक आपको निकाल दिया जाएगा सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो आई थिंक कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल गई होंगी आप भी जाना चाहते हैं रिसर्च में देन प्लीज अप्लाई फास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब